लीजिए भैया, खुल गया सिवान जिला का सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर। हाँ जी, अभी मैं बैठा हूँ सिवान जिला का सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट में जी। भाई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ये, देख लीजिए भाई, गोलगप्पा 100 रुपए का है पूरा, ये घर पे लेकर जाइए, चाट बनाइए, खाइए एकदम मस्त। तो ये रहा दुनिया का सबसे छोटा पिज्जा, वो अभी सिवान जिला के हरिलाल फैमिली रेस्टोरेंट में मिलेगा, समझे? तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सिवान जिला में हम हैं। रामलाल का भाई हरिलाल। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, तो आज 16 जनवरी, अभी शाम का बज रहा है 4, और आप सभी को इस ब्लॉग में क्या दिखाने वाला हूँ भैया, टाइटल थंबनेल और इंट्रो देखकर आप सभी को भाई मालूम चल गया होगा। तो चलिए भैया, बिना देर के आप सभी को लेकर चलते हैं सिवान जिला का सबसे बड़ा और सबसे पहला PVR प्लस रेस्टोरेंट, होटल, जो भी कहिए, सब कुछ है भैया उसमें, समझिए कि बड़ा पैक, छोटा पैक, बड़ा धमाका। मेरे को बुलाया गया था, मतलब जब उद्घाटन उसका था, कल था शायद उद्घाटन उसका, तो मेरे को बुलाया गया था, ठीक है, 15 तारीख को, लेकिन थोड़ा टाइम ही नहीं मिला मेरा दुकान से, इसलिए मैं नहीं जा पाया, और आज मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ। और इसके बाद से आप सभी पटना का वीडियो देखिएगा। हाँ जी भाई, इतना दिमाग का दही बन गया है ना कि क्या बताऊँ आप सभी को, मतलब इतना ठंडी में पटना में एग्जाम पढ़ाया 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए, समझ जाइए, और उस बीच में 22 जनवरी भी पड़ेगा, पटना ही रहेंगे। हम सोचे थे भाई सिवान में रहेंगे, कुछ करेंगे, यार घबरा गया सारा कुछ काम। चलिए खैर, कोई बात नहीं, और चैनल पर आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक को देख रहे हैं वीडियो को तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर आइए, वहीं पर बातचीत होते रहता है, deepu.kesri, ठीक है। तो चलिए, मेरी बाइक रानी उधर खड़ी है आराम से एकदम बिंदास, लेकर चलते हैं, टाइप पॉड ही रहे, गाड़ी को करते हैं ऑन, 1 2 3 को 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 1 2 3 को को। काले कौवे की बस है, गाना हमारा ना वेला। तो लीजिए भैया, इधर अपना सिवान का सिस्टम देख लीजिए, ये बगल में एक और बड़का मॉल खुल रहा है। कितना रुपया कहाँ से आ रहा है भाई सिवान जिला में? दीपू केसरी का भी एक दिन मॉल खुलेगा, सपना में तो खोले थे बहुत दिन पहले, लेकिन फिर से एक्चुअल में खोलना पड़ेगा लग रहा है। सामने सिलेंडर है, सिलेंडर, इधर समोसा पर मार हो रहा है, देख लीजिए, इनका समोसा का वीडियो बनाए थे तो सिस्टम इनका हैंग हो गया था, समझे? अब बोलते हैं नहीं, मत मनाना यार, मेरा घबरा जाएगा काम। ओए भाई, तो चलिए भैया, यहीं से जैन स्वीट के ठीक सामने से फतेहपुर बाईपास के तरफ से घूम जाते हैं और सिस्टम को हैंग करते हैं, ओके। तो जी देख लीजिए, सिवान जिला में आ चुका है आगरा का ताजमहल, अब जाने का वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिवाने में आइए ना, फतेहपुर के फर्कस ग्राउंड में झूला वूला सब लगा हुआ है, इसका भी वीडियो बनाया हूँ, देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो, समझे? बहुत मस्त नज़ारा है भाई, फतेहपुर के लोग तो एकदम दिलदार होते हैं भाई, कौन कौन इधर से देख रहा था नहीं बता देना यार, एकदम लवर होते हैं इधर का लोग। जय माँ दुर्गे, जय माता दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये, अभी तो गुजर चुके हैं भाई, बहुत मतलब मस्त आदमी थे वो, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ वहाँ पे, जहाँ पे आप सभी को दिखाने वाला था भैया सिवान जिला का सबसे बड़ा और सबसे पहला मल्टीप्लेक्स, जिसका नाम है भैया कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर। इसमें 3 गो स्क्रीन है, आप सभी देख सकते हैं फिल्म आराम से। अब आप सभी को सिवान जिला से गोपालगंज जिला ना छपरा जिला जाने का ज़रूरत नहीं है, सिवान जिला में फिल्म देखने का मज़ा मिलेगा, और साथ ही साथ हरिलाल का फैमिली रेस्टोरेंट का भी मज़ा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई, कैमरा से आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सामने ये, अरे हाँ जी, ये सिवान जिला में ही खुला हुआ है, जिसका नाम है चंद्रिका टावर, ठीक है। चलिए यहाँ पर व्यू देखिए, अब सिवान जिला नहीं रहा, अब पटना दिल्ली सब फेल करेगा कुछ दिन में। हरिलाल फैमिली स्वीट्स बेकरी चाट स्नैक एंड प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, ओके भैया। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं, और इंस्टाग्राम पे अपना रील बनाया हूँ इसी का, वहाँ पे जाकर देखिएगा, पूरा सिस्टम हैंग कर दिए एकदम वीडियो बनाकर, गजब यार, सोच में यार बहुत हैवी बनाया गया है, देख कर मतलब देखा है क्या आपको लोग, देखिए, ओ माई गॉड, अरे सिवान जिले में खुला हुआ है जी, ये सिवान है ना ये, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सिवान जिला में हम हैं, सिवान अब सिवान नहीं रहा, सच बता रहे हैं, सिवान अब सिस्टम हो गया है। हाँ जी बाबू लग रहा है, वीडियो देखा है मेरा, क्या खा रहे हो? खाए भैया अकेले अकेले, यार हमको भी पूछ लो सब यार, इतना महंगा में हम कहाँ पैसा दे पाएंगे। चलिए भाई, मजाक के बाद साइड करते हैं, उसके बाद से आप सभी को इंटीरियर व्यू दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये सब बस देखने के लायक है, खाने वाला सब इधर है, देखिए क्या क्या है, थोड़ा सा रेट वोट आप सभी को बता दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, 55 रुपये का है पूरा ब्रेड ये, ठीक है। अब 10-20 रुपये महंगा तो भाई पड़ेगा ही, इतना फ्रेश माल है तो, हरिलाल का ही बिस्किट है कि क्या है, इसका दाम 170 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे गोलगप्पा, वाओ गोलगप्पा पैकिंग करके आ रहा है, कितने का है जी?
देख लीजिए भाई गोलगप्पा 100 रुपये का ये पूरा ही है। घर पे लेकर जाइए, चाट बनाइए, खाइए एकदम मस्त। और भी बहुत कुछ मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री है 59 रुपये का, हरीलाल का भुजिया। ठीक है चलिए ओके। वाओ मिठाई है क्या ये? इधर भी बहुत सारे वैरायटी का यहाँ पे मिल जाएगा आप सभी को खाने के लिए। ठीक है सामने मिठाई मिलेगा तो कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। 1580 रुपये के जी। अच्छा 1480, यही सब रेट है। सबसे सस्ता कितने का है भाई? कितना रुपये के जी है सस्ता? 600 रुपये किलो है इधर, 680 का है। लेकिन मैं देख कर ही मन भर जाएगा, इतना मस्त मतलब सजा कर रखा गया है। तो भाई लोग पैसा देने से पहले ही टेस्ट करने के लिए काजू का बर्फी मिला है। देखिए यहाँ से ये कस्टमर को टेस्ट कराने के लिए रखा गया है क्या? वाह देखिए तो भाई सेवा बहुत हो रहा है यहाँ पे। रसमलाई कितने का है? 50 का है। एक दीजिए भाई 50 रुपये का, तो देखते हैं भाई कैसा टेस्ट है। एकदम काजू वाला है असली, मस्त भाई। मेरा फेवरेट सबसे गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन और काला जामुन में हमको अंतर ही समझ में नहीं आता है। बस के थोड़ा सा और जला दिया जाता है तो ये काला हो जाता है, और हल्का जलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। तो लीजिए भैया यहाँ पे 50 रुपये का मेरा रस मलाई मिल गया। इधर देखिए 50 रुपये का रस मलाई खाइए, हरीलाल चम्मच पे भी लिखा है हरीलाल। लीजिए आप लोग थोड़ा सा खाइए, उसके बाद से हमको खाना दीजिए। टेस्ट बढ़िया है भाई, खा लिए भाई लोग खा लिए, पैसा बस देना है। अब सामने और कुछ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे समोसा मिल जाएगा 15 रुपये का एक, इधर पेटीज है 25 रुपये का। ठीक है पूरी सब्जी भी मिल जाएगा, केकलेट कैटलेट, इधर क्या बोलते हैं इसको केक, भाई केक भी इसमें मिल जाएगा। देख लीजिए लोग केक कितने रुपये के जी है, ये सब का रेट क्या है? 480 का है ये, 480 का है। सबसे कम रेट का कितने है, कितने का है? अच्छा यहाँ पे पेस्ट्री मिल जाएगा आप सभी के लिए 70 रुपया 65 रुपया, यही सब रेट है। ठीक है 80 रुपये का ये, 75 रुपये का है। तो भाई लोग यहाँ पे चॉकलेट ट्रॉफल पेस्ट्री ले लिया हूँ, 80 रुपये रेट है इसका। देख लीजिए यहाँ पे, चलिए टेस्ट बताता हूँ कैसा लग रहा है। ये खाते हैं भाई, खाली चॉकलेट है यार, देखिए ना यार इतना चॉकलेट खाएंगे तब तो चॉकलेट खाने से गोरा हो जाता है। बाप रे बाप बहुत ज़्यादा चॉकलेट है यार, इतना चॉकलेट वाला पहली बार पेस्ट्री में खा रहा हूँ। अजी भाई लोग तो खा लिए, क्या खाए थे अजीब, अभी केक खाए हैं पेस्ट्री। ठीक है भाई बहुत मस्त लगा टेस्ट उसका भी, भाई पूरा चॉकलेटी था एकदम। और यहाँ पे ये क्या है, पिज्जा है क्या? मिनी पिज्जा है, देख लीजिए भाई एक ही बार में अंदर। कितने रुपए का है ये? सच में क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है जी? तो दीजिए एक, फ्री का सामान छोड़ा नहीं जाता है। हाँ जी तो पिज्जा लेकर बैठ गया हूँ। तो ये रहा दुनिया का सबसे छोटा पिज्जा, वो अभी सिवान जिला के हरीलाल फैमिली रेस्टोरेंट में मिलेगा, समझे? मैं टेस्ट मस्त है सच बता रहा है। हाँ जी तो पिज्जा तो खा लिए हम, ठीक है सामने ये रहा ये सब। तो यहाँ पे पेस्ट्री वेस्ट्री मिल रहा है, मतलब मिठाई उठाई खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो रेस्टोरेंट है इधर है, ऑफ ए रेस्टोरेंट ऑफ स्टेयर्स, मतलब एक स्टेयर ऊपर। वाह ये देखिए सिवान जिला का सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट, वाह सच में क्या यार गजब यार, मजा आ गया। ओह माय गॉड भाई सजावट तो ऐसा हुआ है जैसे दुल्हन को सजाया गया है, लव मेरे शादी हो रहा है वैसे। वाह बहुत सारे लोग खा भी रहे हैं, ठीक है भाई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ये। वाह इधर जाना अलाउ नहीं है लग रहा है, इसको बंद कर दिया गया है। देखिए तो भाई कितना मस्त सजाया गया है, लाइट जानते हैं बिलिंग काहे कर रहा है, काहे कि जनरेटर पर ही चल रहा है सारा कुछ।
और कैमरा में वो ब्लिंक करता है इसी की वजह से, देख लीजिए। वाह गजब यार, लग रहा है बैठकर कुछ खाना पड़ेगा। देखते हैं मेन्यू उन्यू क्या है, क्या है, कितने का है। ओके हाँ जी, अभी मैं बैठा हूँ सिवान जिला का सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट में। जी गाइस, तो यहाँ पे बैठकर भाई कुछ ना खाऊँ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो लीजिए भैया मेन्यू कार्ड यहाँ पे देखिए, मग्न जिसका नाम है मतलब रेस्टोरेंट है ये, हरिलाल के द्वारा ये संचालित किया गया है। अब हिंदी हमको नहीं पता है भाई, देसी स्वाद यहाँ पे वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मतलब मेन्यू देखिए कैसा है, एकदम प्लेट जैसा है ये, बोर्ड लग रहा है बड़ा पढ़ने वाला बोर्ड। एग्जाम दे वाला सूप, तंदूर यहाँ पे देख लीजिए, गार्लिक ये सब देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्योर पालक पनीर 280 रुपये, कोई महंगा नहीं है, मतलब नॉर्मल रेट है जो सारे रेस्टोरेंट में है वह उतना ही रेट इसका भी है, ठीक है। पनीर दो प्याज़ा 280-300, मतलब 10-20 रुपये 50 रुपये का अंतर पड़ेगा, ज़्यादा का नहीं पड़ेगा, ठीक है। तंदूर भी इधर है, नूडल्स भी सेम रेट है, चाइनीज नूडल्स 190 रुपया, वेज हक्का नूडल्स 220 रुपये का है। थाली भी है इसमें, घर की थाली 220, एक्सक्यूटिव थाली 250, डिलॉक्स थाली 300 रुपया, ठीक है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि इतना महंगा हम खा कर क्या करेंगे। अभी तो नीचे उतना सारा कुछ खाया हूँ, अब प्लस घर से भी खा कर आया था मैं 3 बजे का, ठीक है। 4 बजे यहाँ से चला हूँ, वहाँ से घर से देख ले भाई कुछ खा लेते हैं, नहीं तो फिर इंसल्ट हो जाएगा मेरा को खुद के खुद से, दूसरे से तो फर्क नहीं पड़ता है हमको। और आप सभी प्लीज़ आप सभी यहाँ पे आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कोई ये प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, बस अपना सिवान जिला में खुला हुआ है तो हमारे लिए बहुत गर्व का बात है, हमारे पूरे सिवान जिला के लिए भाई गर्व का बात है। इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई आप सभी को दिखाऊँ, बहुत सारा कमेंट भी आया था इसलिए मैं दिखाया हूँ, ठीक है। तो भाई आ जाना, और क्या बोलते हैं PVR सिनेमा के बारे में जो आप सभी को मैं बता दूं कि PVR सिनेमा अभी नहीं खुला है, लेकिन उसका 5 से 6 दिन के अंदर उसका भी उद्घाटन होगा बोल रहे थे। अभी मैं दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि पूरा अंधेरा है, मतलब लाइट उट कट गया वहां पे और जो वहां पे काम करने वाले वर्कर्स थे वो चले गए हैं घर, ठीक है। तो चलिए भाई अभी फिलहाल कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। आप सभी प्लीज़ आइएगा, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, बहुत सस्ता मतलब नॉर्मल रेट में है, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनली 1 घंटा बाद से आ गया मेरा सैंडविच। हाँ भाई थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब 40 से 45 मिनट लग गया है भाई, सच बता रहे हैं। लेकिन उतना अभी स्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन भीड़ है इसकी वजह से हो जा रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं भाई, दूसरा दिन है रेस्टोरेंट का तो उतना तो सहन करना ही पड़ेगा। तो लीजिए सामने ये देखिए सैंडविच ये रहा, जिसका प्राइस है 152 यानी 152 रुपये का। ये 4 गो सैंडविच प्लस ये दिए हैं क्या बोलते हैं इसको, चिप्स हैं और ये सॉस बस, ठीक है भाई। खा कर टेस्ट बताते हैं आप सभी को कि टेस्ट इसका कैसा है। और बगल में इधर भाई लोग हैं सिवान जिला से हैं लोग, क्या जी ठीक है ना। और पुर्जा लगाओ, मतलब किसी भी डॉक्टर का पुर्जा लगवाना है या दवाई मंगवाना है कहीं से भी सिवान छपरा गोपालगंज, तो या इनसे लगवा सकते हैं। नंबर में यहाँ पे ये वाला कार्ड यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप सभी प्लीज़ इनसे संपर्क कीजिएगा भाई लोग, फुल सपोर्ट है भाई, एकदम आगे बढ़िए। और सिवान जिले में भाई किसी को भी दिक्कत हो मतलब डॉक्टर से रिलेटेड, यहाँ पे इनसे कॉल करके आप सभी पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इसका टेस्ट बता देता हूँ कैसा लग रहा है भाई। टेस्ट क्या होगा, टेस्ट तो वही होगा, बस खूबसूरत सजा कर दिया गया, 152 रुपये लिया गया फ्री का थोड़ी ना। अभी कहा जाना GST जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे ये नहीं मालूम है हमको, GST जोड़ देंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा। एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम बाय टेस्ट मस्त है। हाँ जी सैंडविच तो अब खाकर पूरा ख़त्म कर दिए हैं भाई, भाई बहुत मस्त टेस्ट है एकदम, सच बता रहे हैं पूरा पैसा वसूल था भाई, मज़ा आ गया। चलिए भाई लोग चलते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए पूरा, खाइए पनीर चिली दबा कर। टेस्ट कैसा है, बढ़िया है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इधर भैया लोग हैं वीडियो देखते हैं मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पहली बार आए हैं, मतलब दूसरा दिन तो हुआ ही, तो सभी लोग भाई पहली बार इसमें आ रहे हैं। पैसा मेरा कितना हुआ जी, बिल मेरा इधर आ गया, हम उधर चले गए, अब गेट से बाहर निकलने ही वाले थे हम। ओ माय गॉड, हरिलाल रामलाल के भाई थे क्या जी हरिलाल, हम बोले ना ये GST जोड़ कर आएगा, 158 रुपया हो गया भाई, 152 रुपया है ये, तो हम कहाँ से देंगे। चलिए 200 दे रहे हैं, देख लीजिए पैसा। आप लोग बोलते हैं क्या फ्री का खाओ, फ्री का खाएंगे, पैसा नहीं है मेरे पास। ये सब सिक्काओं का क्या दे रहे हैं जी, आप लोग भी मतलब ये ले लेते हैं बिलवा। सामने देख लीजिए पूरा रेस्टोरेंट मस्त, चलते हैं, बाय बाय, फिर से आएंगे। सिस्टम 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 फाड़ देंगे बट्टा, वाओ
सीढ़ी देख रहे हैं, सीढ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब सोना का बनाया गया है सीढ़ी आई भाई। टाइल्स मार भाई कहाँ से आया है जीत नमक भाई, बहुत महंगा आइटम, मतलब आइटम महंगा नहीं है, आइटम इसमें लगाया गया है महंगा। इधर भी पैसा खाए मतलब खाए थे लेकिन पैसा दिए नहीं है, पैसा मेरे से लेंगे ऐसा बात नहीं है। अजी तो यहाँ पे बिल मिल गया है, ओनली 80 रुपये मेरा लगा है, ठीक है। पेस्ट्री का लगा है, मतलब क्या बोलते हैं रसमलाई मेरे को फ्री में मिला है, पता ना कहाँ मिला है एक्सेंट क्या बोलते हैं उसको, पिज्जा भी एक फ्री में खिलाया, वो तो सबके लिए था लेकिन रसमलाई मेरे को फ्री में दिया गया। चलिए भाई कुछ तो फ़ायदा हुआ, एक रसमलाई फ्री में मिला लूँ, ठीक बा। चलिए भाई बाहर निकलते हैं। वाह वाह वाह, सारे लोग वीडियो देखते हैं ना दीपू केसरी का, मज़ा आ गया भाई। एक बार और दिखा देगा बिल्डिंग, वहाँ अब अंधेरा में नहीं दिखेगा, देखिए हम ही नहीं दिख रहे हैं तो फिर बिल्डिंग कैसे दिखेगा। अभी लाइट नहीं लगा है, ऊपर बस चंद्रिका टावर पर लगा हुआ है लाइट। बिल्डिंग हरिलाल, रामलाल का भाई हरिलाल। जस्ट फॉर फन, सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। कहियो हम कार लेके आए, कहियो क्या अगले साल कार लेके आए, मैं खड़ा करके मैं ढूंके मैं फिल्म देखे, समझ ला लो एकदम वादा करता नहीं। 2025 में आज ही चार चक्का है जी खड़ा रही। चलो चलते नहीं, हमारा रानी किधर भाई, उधर है अंदर है भाई, निकाल लेते हैं उधर से, चलते हैं। ओके बाय 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 बाय।